आ रहा है चले। होनहार बिरवान के होते हैं चिकने पात, ये मैं नहीं कहता हूँ। हमारे कई ज्ञानी आए और ये शब्द कहकर चले गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जोश एक्सप्रेस। फिर से एक अलग अंदाज में और अलग शख्स के साथ रूबरू कराता हूँ। मैं पहुँच चुका हूँ मुजफ्फरपुर। लोग कहते हैं कि अगर लीची खाना होगा तो मुजफ्फरपुर आपको निश्चित जाना होगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर किसी शख्सियत से मिलना है तो मनी मेराशी से भी मिलना पड़ेगा आपको। स्वागत है मेरे YouTube चैनल जोश एक्सप्रेस में मनी मेराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका, वेलकम। और जोश एक्सप्रेस के माध्यम से जितने भी भाई देख रहे हैं श्रोतागण, सबको सलाम आदाब। और ये बहुत होनहार पत्रकार है और हिंदुस्तान का इकलौता पत्रकार है, क्या दिव्य जितेंद्र दिव्यांग मेरा नाम। अच्छा, जितेंद्र नाम इनका। ये है मनी मेराज जी। मैं नहीं कहता किस्मत किसकी कब कहाँ चली जाएगी, कोई नहीं जानता। और कोई माँ के पेड़ से नहीं आता है कि कब क्या हो जाएगा, ना कोई लिख के आता है। मैं शुरुआत करता हूँ मनी मेराज की कहानी से। बचपन में मैंने स्टडी किया तो पता चला कि मुर्गा काटते थे, मुर्गे की दुकान हुआ करते थे। लोग कहते हैं कि मुर्गा वाला हत्यारा होता है, लेकिन ये हत्यारा कब सितारा बन गया ये कोई समझ नहीं पाया। क्या मेराज जी, सच्चाई कहाँ तक है? आप तो देखिए, आप तो पूरा कुंडली जानते हैं ना। देखिए, अगर कुछ मुकाम पाने के लिए अगर कुछ काम करना है तो सब जायज है। और मुझे अगर सब्जी बेचना हो, धनिया बेचना हो, यानी कुछ भी काम करना हो तो स्ट्रगल लाइफ में अगर कुछ अपना पेट चलाने के लिए काम करना हो तो करेंगे भाई। नहीं, कोई काम बुरा नहीं होता, नहीं होता मनीष, कोई काम बुरा नहीं। हमारी सोच बुरी होती है। आप डांस कर रहे हैं, ये भी एक कला है, कोई चढ़ के डांस करके दिखा दे। अगर फैमिली बैकग्राउंड अगर मतलब स्ट्रांग नहीं है तो काम तो करना पड़ेगा। फैमिली अलग जगह है, कला अलग जगह। देखिए, आज से नहीं सतयुग से रूप का नहीं पूजा हुआ है, गुण का पूजा हुआ है। जितेंद्र नहीं कहता है, बिल्कुल बिल्कुल भाई। जो हमारे देश के महापुरुष हैं उन्होंने लिख के गया कि बेटा रूप एक नश्वर चीज है, आज नहीं तो कल ढल जाएगी, आप उस पर गुमान मत करो। मनी मेरा साहब, आज आपका ये गुण है, मैं आपकी गुण की पूजा, आपकी रूप की पूजा और रूप को लेकर नहीं आया हूँ कि जितेंद्र आया है आपका रूप देखने के लिए। रूप देखना होता तो ऐश्वर्या राय होती, मैं पहुँचता और कहता कि पल्लू हटाओ मैं आ गया, लेकिन आपका गुण है जो यहाँ तक मुझे खींच के लाया है। तो जैसे मैंने बताया, मान लीजिए कैसे मन में ख्याल आ गया कि मुर्गा काटते काटते मैं YouTube पे आ जाऊँगा और YouTube पे आके इतना चमक जाऊँगा, कभी आपने सोचा था? देखिए, ये मेरा सोच तो बहुत पहले से था, बचपन में ही मुझे एक्टर बनने का ख्वाहिश था। वाह। और उसके पीछे मतलब मेरा फैमिली मतलब जो था उतना स्ट्रॉन्ग, पैसा वाले नहीं थे तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो कोई भी काम, तो मैं बहुत सारा काम किया हूँ, बाहर जाकर भी काम किए हैं। उसके बाद यहाँ सोचे कि मुंबई मुंबई सब गए लेकिन कोई चांस नहीं मिला, तो सोचते चले यहाँ पे ही तो कुछ दुकान करके अपना काम चलाते हैं। तो मुझे वही आसान लगा, शाम को दुकान चलाते थे और दिन भर अपना जो काम करना था। दुकान चलाते थे, बताइए ऐसा काम मैं सोच रहा था कि क्या दुकान चलाते थे? चिकन का दुकान। ये गंदा तो काम है ना, बिल्कुल। इसमें कहने में अगर आप शर्माते हैं, चोरी नहीं ना किया कर रहे थे? चोरी छीन छोड़ कर सब काम जारी है, लेकिन वीडियो में करने। हाँ बिल्कुल, नहीं मैं मेरा जो मतलब स्ट्रगल बता रहा हूँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। और मैं ये नहीं, देखिए मैं आपसे ये नहीं पूछने आया हूँ कि आप डांस का स्टेप बताइए। जितेंद्र को स्टेप नहीं चाहिए, मुझे मेरी वीडियो सिर्फ एक प्रेरणादायक होती है और उन लोगों को मैं चैलेंज करता हूँ जो कहते हैं कि हमसे कुछ नहीं हो जाएगा। अरे मैं कहता हूँ कि कुछ भी नहीं है, मुश्किल अगर ठान लीजिए बस एक बार जितेंद्र का कहा मान लीजिए। क्या समझ रहा है, इस धरती पे कुछ मुश्किल है? मैं भी नहीं जानता था कि कब क्या हो जाएगा, लेकिन आप जैसे लोग आज हमारे बीच में है, ये भी सौभाग्य है जितेंद्र का। बिल्कुल, जो मेहनत करके इतना स्ट्रगल करके जो आया है उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है ना। तो मतलब जो शुरू से मेहनत किए हैं वो जानते हैं कोई काम का मतलब। जिस तरह से मनीष जी, अगर देखा जाए बहुत लोग होते हैं कि मेरा हिंदुस्तान का कल्चर समझ लीजिए, जितेंद्र कल्चर कहता है, सीधा डरता नहीं है। जिस दिन लोग हाथ के बदले जो पांव के बदले अगर हाथ खींचने लगे तो मनी जैसे हजारों मनी पैदा होंगे, ये जितेंद्र का था। कहाँ तक सर, मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, सही बात है, एकदम 100% सही बता रहे हैं आप। क्योंकि मैं जैसे ही अभी का टेलर मैं आपको बता दूं, शायद आप ऊपर थे, मैं आया, मैं पूछने नहीं गया। भैया हमारे जो यहाँ के वो भी पत्रकार हैं बेचारे, आए गाड़ी खड़ा किए तो भाई कोई पूछेगा ही ना मनी मेराज जी कहाँ है, तो कहा कि कलेक्टर है कि SP है। तो हम कहे कि
जाहिर सी बात, मैं तो पूछने नहीं गया, भैया थे, भैया थोड़ा सा आप आ जाइए, उनसे ही मतलब चर्चा। लेकिन मैं कलेक्टर और एसपी से नहीं, कलेक्टर एसपी खुद फ़ोन करता है, जितेंद्र जी आइए। लेकिन मैं आपकी कला को और सलाम करता हूँ कि मनी जी, जिस लोग कहते हैं कि गांव में रह के आदमी कर क्या पाएगा, उस गांव से निकल के आपने देश विदेश में एक अलग पताका लहराया है। कहीं ना कहीं मुझे आज गर्व हो रहा है कि बिहार को जहाँ से लोग बदनाम करते हैं, वहीं से आपने नाम लिख दिया कि देखिए ये बिहार के लोग क्या कर पाएंगे। कहाँ तक जी, बिल्कुल एकदम पूरा सच्चाई है। अगर आप जिस राज्य में रहते हैं, अगर वहाँ का अगर सही चीज़ अगर दिखाते हैं, तो अगर जो बाहर लोग रहते हैं तो उनको मतलब एहसास होता है कि चलिए मैं अपना गांव, अपना मतलब जो कल्चर है वो देख रहा हूँ, और जो भाषा है और जो वहाँ का रीति रिवाज, जो हम लोग उसी हिसाब से वीडियो बनाते हैं, मतलब गांव का मतलब जो चीज़ रियलिटी होता है वो लेकर हम लोग दिखाते रहते हैं। शादी ब्याह हो गया, मतलब रिश्तेदार रिलेशन, ये सब चीज़, चाहे खेल कूद, सब ज़्यादा हम लोग कर बनाते हैं। तो जैसे मैंने बात कहते कि भैया भी जुड़ गए हैं, भैया जी आप आए तो इनके बगल वाले ने आपसे क्या कहा? नहीं, मैं वैसे लोगों को ये संदेश दूंगा आपके चैनल के माध्यम से, और हम यहीं के रहने वाले हैं मोतीपुर के, मनी मीरा जी हमारे बहुत करीबी हैं, और आप हमारे यहाँ क्षेत्र में आए हैं मुजफ्फरपुर जिला में, तो आप अतिथि भी हैं, और इसके लिए हम आपको सम्मान भी देंगे। जो भी लोग किसी को हे दृष्टि से देखता है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, हमको लगता है कि वो जिस दिन उसके पीछे प्रति जो है दृष्टि जन्म लेता है अपने मन में, वहीं से वो 200 कोस पीछे चला जाता है अपने जीवन में। चलिए हमें इस बात को सोचना नहीं, अगर मनी जी सोचे होते, मनी मिराज के प्रति अगर कोई गलत सोच रहा है, कोई भी सोच रहा है, तो मुझे लगता है कि उनके प्रति नहीं बल्कि वो अपने आप के प्रति सोच रहा है, क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो कामयाब नहीं है, और कामयाब व्यक्ति की कामयाबी को देख कर वो जलन कर रहा है। जिंदा निंदा लोगों की होती है, जहाँ तक मैं कहता हूँ, मरे लोगों की तो सिर्फ तारीफ ही तारीफ की होती है। अगर जितेंद्र निंदा होती है तो मैं अपने आप पे गर्व महसूस कर रहा हूँ, और वही लोग जो निंदा करते हैं जितेंद्र को कहते हैं बेटा आगे बढ़ो, अब तुम बढ़ रहे हो। तो जितेंद्र कभी मैं भी था, आज समझ रहे भैया देखते हैं और लोग देखते हैं, जहाँ मैं जाता हूँ चार लोग जुड़ जाते हैं, सेल्फी लेते हैं, बड़ा अद्भुत होता है। लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रगल है। अब जैसे मनी जी को देख लीजिए, मनी जी का स्ट्रगल कोई नहीं जानता है, आज ये देख रहे हैं लोग कि चमक गए हैं, क्या मनी जी? बिल्कुल भाई, हाँ है, स्ट्रगल आप किए हैं कोई नहीं जानता है, कोई जानता है तो बताइए। वो तो उस समय कैमरा थोड़ी लगा कर रखे कि स्ट्रगल कौन कितना कर रहा है ना। अतीत देखिए, माँ के पेट से कोई चोर नहीं होता है, ना माँ के पेट से हत्यारा होता है, लेकिन जैसे ही वो हत्यारा बन जाए तो लोग चिल्लाने लगते हैं कि हत्यारा बन गया, लेकिन उसका अतीत कोई नहीं देखता है, क्या मनी? बिल्कुल सही बात है। चलिए मनी जी, मैं आपका ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा, चूँकि आपका समय कीमती है, और उस कीमती समय में बहुत कम समय में थोड़ा सा अभी कुछ कर लेना होता है। आगे समाज के लिए आप क्या करने वाले हैं, मैं लाख सवाल करना चाहूँगा। देखिए, समाज के लिए मैं क्या करूँ, बस लोगों को हंसाते रहता हूँ, इंटरटेन करते रहता हूँ, और उद्देश्य तो ज़रूर होगा कि मतलब मेरा उद्देश्य है कि इससे लोगों में, देखिए हर एक फिल्म के पीछे, हर एक गीत के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी होती है, जिससे लोग देख के, जैसे सारे जहाँ से अच्छा जो गाया होगा, मेरा हिंदुस्तान का राष्ट्रगान गाया होगा, तो बड़ा सोच समझ के गाया होगा। वो गाने वाला मर गया है, लेकिन फिर भी अभी उसका जिंदा है ना। तो मनी मिराज मर जाएंगे, लेकिन मनी मिराज का क्या ऐसा होगा कि मरने के बाद भी मनी मिराज जिंदा रहेंगे? देखिए, मेरा वीडियो जब भी आता है यूट्यूब पे, लोगों का भरपूर प्यार मिलता है, और 5 से 6 घंटा में मिलियन क्रॉस कर जाता है जी। और उन लोग बहुत प्यार देते हैं हमको यूट्यूब पे और फेसबुक पे, और बहुत सारा इंस्टाग्राम पे भी मेरा आइडिया पर, टिकटॉक हम लोग चलाते थे, बंद हो गया, तो आप जानते ही हैं टिकटोकिया स्टार बन गया। लोग कहते हैं कि टिकटोकिया है ना, टिकटोकिया भी स्टार, मतलब मेरा भी फॉलोअर्स थे 35 लाख। अच्छा। मैं अपने आप को स्टार कैसे बोलूंगा? नहीं नहीं, ठीक है, आप नहीं बोलते हैं। पब्लिक देखिए, मैं भी नहीं कहता हूँ, आप बड़े, बहुत बड़े हो जाइए, लेकिन जमीन मत छोड़िए। मैं जहाँ तक मेरी सोच है, मैं खुद कहता हूँ, आते हैं यूट्यूबर तो मैं कहता हूँ देखो बड़े हो जाओ, लेकिन जमीन नहीं छोड़ना, जमीन नहीं छोड़ना। क्यों मेरा जी, गलत कर रहा है? बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही, जमीन नहीं छोड़ना है। आप दे रहे हैं, ले क्या रहे हैं आप, इतना मेहनत करके एक प्रेरणा तो दे रहे हैं ना। कुछ लोग तो वो भी नहीं कर पाते हैं, कहते देखिए कमियां सब में होती है, मैं ये नहीं कहता कि हमारे में कमी नहीं, आप में कमियां सब में, बट वो भी आप करके तो दिखाओ, आप में भी क्लेम आता होगा, कई कमेंट आते होंगे साला ये क्या करता है, गाली गलौज भी होता है कि नहीं होता है? सारे जी गाली भी आते हैं, प्यार भरा भी कमेंट आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, दुआ देते हैं, सब चीज़ देते हैं लोग, लेकिन सब सही है। अगर गलत से भी कमेंट करते हैं तो मेरे लिए प्यार समझूंगा। कुछ आज लास्ट में एक्टिंग क्या है, कुछ एक्टिंग आज हो जाए, एक आध स्टेप जो एक्टिंग आप करते हैं,
देखिए हम लोग तो थोड़ा सा गांव घरेलू वाला भोजपुरी जानते हैं। हाँ, एकदम भोजपुरी बारे भोजपुरी जानते हैं बेशक। अच्छा मतलब इसे पूछे हैं। अरे अरे नहीं नहीं भोजपुरी जानते हैं बताइए। मेरा एक डायलॉग बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था आज भी, जो अभी लगन चल रही है शादी चल रही है तो भोजपुरी में हम लोग मेहमान को बोले हुए थे का मेहमान ये तो साला पूरा अलकतरा लगा था, यानी कि पूरा काला है साला ये मतलब काला रहता है। तो हम मेहमान को अगर वो अच्छा भी रहता है मजाक उड़ा जाता है। वीडियो मैंने देखा था कि उस अपने वीडियो 5 मिनट का शायद शूट किया था शादी होते होते लड़के का बाप लड़की के मतलब आप ही शूट किए थे उस वीडियो को मैं देखा था। और उसके बाद क्या होता है कि लड़का भी भाग जाता है और बाप तो लेके उसको भाग ही जाता है, तो उस क्यों बनाए थे, क्या उसका उद्देश्य क्या था? देखिए उद्देश्य उसका कुछ नहीं था, बस एंटरटेन के लिए बनाते हैं वीडियो। ठीक है लेकिन कुछ तो इससे देखिए जैसे ऐसा समाज में हो रहा है, जो समाज में हो रहा है वही चीज़ आप बताएं, मैं जानता हूं, लेकिन कुछ तो मन में स्क्रिप्ट लिखते वक्त कलम देखिए जब कलम हाथ में आती है तो कलम को लोग मजाक समझते हैं लेकिन वही कलम मौत लिख देती है, पता नहीं चलता। ऐसा कहानी बहुत बार हो चुका है समझे, इससे भी मतलब शर्मनाक कहानी हो चुका है लेकिन हम लोग अभी थोड़ा कॉमे रखे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि अश्लीलता से आप दूर रहेंगे, भोजपुरी अश्लीलता के खिलाफ बड़े बड़े एक्टरों को मैं देख चुका हूँ और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मनी मेराज जी बहुत आप अच्छा कर रहे हैं लेकिन अश्लीलता समाज को मत परोसिएगा। मतलब वीडियो में थोड़ा सा जो वर्ड होते थे थोड़ा सा रॉन्ग होते थे लेकिन अब मैं वीडियो में बहुत कुछ सुधार चुका हूँ और जितना सुधारता हूँ उतना ही अच्छा चल रहा है। चलिए चलते चलते आज आप हमारे चैनल पे हैं, कैसा एहसास हो रहा? बहुत बहुत आपका इंटरव्यू हुआ होगा मैं जानता हूँ लेकिन आज जितेंद्र के चैनल पे हैं, आपको कैसा एहसास? सबसे पहले आप बोलते बहुत अच्छे हैं, अरे और पत्रकार भी बहुत अच्छे हैं, ईमानदार है, है ना? और चाहे जो भी हो आपका चैनल जो है बहुत बड़ा होगा एक दिन, अभी बड़ा ही है अभी आपका चैनल क्योंकि आप हिंदुस्तान का इकलौता एक पत्रकार है जो आपका हैंड भी है, मतलब हाथ भी नहीं है फिर भी इतने अच्छे सवाल कर सकते हैं, किसी को मतलब अंदाजा नहीं होगा। चलिए मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि एक अजूबा पत्रकार से मिलने का मौका मिला। चलिए मनी जी थे हमारे बीच में और मनी जी एक समाज के लिए अलग उदाहरण बन के पैदा हुए हैं और मैं यही चाहूँगा कि मनी जी जैसे हजारों, मैं ये नहीं कहूँगा कि इनके कुछ अच्छाइयाँ लीजिए, बुराइयाँ तो सभी लोग ले लेते हैं लेकिन जो इनका अच्छाइयाँ होगा वो आप ग्रहण करने का काम करिएगा, ऐसा ना कि इनको बदनाम करने का काम करिएगा तो जितेंद्र कल से फिर सवालात करना बंद कर देगा। ना अगर हम किसी को क्या बोलते हैं बना नहीं सकते हैं तो बिगाड़ने का हक जितेंद्र को नहीं है, चाहिए जो पब्लिक देख रही है, मैं पब्लिक को कह रहा हूँ, पब्लिक को भी हक नहीं है, अगर किसी को हम बना नहीं सकते हैं तो बिगाड़ने का भी हक नहीं है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।